हेलो एवरीवन। सो नॉर्मली आज हम कॉपी पेस्ट या फिर कॉट पेस्ट का जो सिनेरियो होता है उसको थोड़ा सा देखेंगे। हमको नॉर्मली पता होता है कि कोई सा भी अगर एक ऑब्जेक्ट होता है या फिर फाइल होता है, हम उसको राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करने से यहाँ पर हमको कॉपी या फिर कॉट का जो ऑप्शन होता है वो दिखाई देता है, और उसके साथ ही साथ हम इसको चाहे तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये जो हो गया, ये हमारा बेसिक सिनारियो हो गया, बेसिक फॉर्मेट हो गया, जैसे कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर कॉट पेस्ट करते हैं, जो भी हो, ठीक है। आप चाहे तो इन कॉपी पेस्ट को थोड़ा सा अलग ही लेवल में कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी दो फोल्डर ओपन करता हूँ, मेरा एक लेफ्ट में फोल्डर है, राइट में फोल्डर है। आप चाहे तो कॉपी करने के लिए सिंपली, जैसे कि मैं अभी कॉपी करने के लिए इसको ड्रैग करता हूँ, मतलब कि यहाँ से सिर्फ आपको क्लिक करके ड्रैग करके दूसरे वाले फोल्डर में छोड़ देना है, और आपका जो पर्टिकुलर मतलब कि फाइल होगा वो कॉपी हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से कॉपी हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको मूव करना है या फिर कॉट पेस्ट करना है, तो कॉट यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉट करना है, फिर से यहाँ पर आके राइट क्लिक करके पेस्ट करना है, तो टाइम टेकिंग रहता है। आप उसको ना करते हुए या फिर आपको वो करना नहीं है, सिंपली आपको करना क्या है कि आपको सिंपली यहाँ से शिफ्ट की को प्रेस करना है, आपका कीबोर्ड में जो शिफ्ट की होता है उसको प्रेस करना है, फिर उसके बाद क्लिक करके ड्रैग करना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कॉट होके यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो कॉट कॉपी पेस्ट करने के लिए आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में अगर आप ड्रैग करते हैं, सिंपल ड्रैग करने से आपका कॉपी हो जाता है, और अगर शिफ्ट की के साथ अगर आप ड्रैग करते हैं तो फिर आपका कॉट पेस्ट हो जाता है। उसके साथ ही साथ एक दूसरा वाला आपको भी बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोई सा भी एक फोल्डर का जो शॉर्टकट होता है उसको क्रिएट करना है, तो शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको राइट क्लिक करते हैं, फिर शॉर्टकट करने के लिए सेंड टू शॉर्टकट और सेंड टू डेस्कटॉप में यहाँ पर क्लिक करते हैं, और हमारा डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है, राइट। ये हमारा क्यूट का फोल्डर क्रिएट हो गया। लेकिन आपको वैसे ना करते हुए आप चाहे तो इसको ऑल्ट की प्रेस करके, मतलब कि आपका जो कीबोर्ड में ऑल्ट की होता है, ALT का जो की होता है उसको प्रेस करके अगर आप ड्रैग करते हैं तो आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही मतलब कि शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉट पेस्ट का, कॉपी पेस्ट का कर सकते हैं, जो कि ड्रैगिंग मेथड में आता है। तो ट्राई कीजिए एक बार जरूर, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर चैनल में नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।